इस बीच उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सोशल मीडिया के लिए रील बनाते हुए दो लड़के भयानक हादसे का शिकार हो गए। दोनों लड़के हाईवे पर मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए अपना वीडियो बनवा रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक कार ने पलक झपकते ही उन्हें हवा में उछाल दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। इससे पहले वो दोनों लड़के बीच सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल को लहराते हुए नजर आए, फिर उन्होंने अचानक हाईवे में लेन बदलने की कोशिश की और तभी पीछे से आ रही कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि वो दोनों हवा में उछल गए। इसके बाद ना तो वो मोटरसाइकिल सही सलामत बची और ना ही वो कार, दोनों का हुलिया बिगड़ गया। मोटरसाइकिल एक तरफ से पूरी तरह बर्बाद हो गई, वहीं कार का बोनट भी एकदम चपटा हो गया। इस भीषण टक्कर की वजह से उस मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों लड़के बुरी तरह घायल हो गए और उनकी हालत गंभीर बताई गई। और सोशल मीडिया पर रील के चक्कर में एक और हादसा यूपी के ही गाजियाबाद में भी हुआ। वहां तो एक लड़की रील बनाते हुए एक हाउसिंग सोसाइटी की छठी मंजिल से नीचे गिर पड़ी और ऐसा होते ही वहां हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत यह रही कि वो सीधा जमीन से नहीं टकराई बल्कि वहां रखे एक गमले पर गिरी, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन छठी मंजिल से गिरने की वजह से वो बुरी तरह घायल हो गई। बताया गया कि वो लड़की बिल्डिंग की छठी मंजिल की बालकनी में खड़े होकर सोशल मीडिया के लिए रील बना रही थी, तभी उसके हाथ से उसका मोबाइल छूट गया। मोबाइल को पकड़ने के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा नीचे आ गिरी। अपने घर में रील बनाने के चक्कर में बालकनी से नीचे गिर गई। इस हादसे के बाद आनन फानन में उस हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। हालांकि गाजियाबाद में रील बनाने के चक्कर में हादसे की ये कोई इकलौती घटना नहीं थी, बल्कि वहां एक और दिल दहला देने वाली घटना हुई। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया के लिए रील बनाते हुए एक लड़का सड़क पर खड़े एक ट्रक से जा भिड़ा। बताया गया कि वो मोटरसाइकिल चलाते हुए वीडियो बना रहा था और उसी दौरान यह हादसा हो गया। इस टक्कर की वजह से उसकी मोटरसाइकिल के परखचे उड़ गए और वो खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। तो बात की एक बात यह कि सोशल मीडिया के लिए रील और वीडियो बनाने के चक्कर में रोजाना हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसका कुछ इलाज ही नहीं हो रहा। लाइक लेने के चक्कर में पागल हुए पड़े हैं सब। वैसे तो सोशल मीडिया कंपनियों ने इतनी सारी गाइडलाइन बना रखी हैं कि हिंसा की तस्वीरें नहीं डाल सकते, किसी बात पर किसी को उकसा नहीं सकते वगैरह वगैरह। लोगों के अकाउंट तक बंद कर देती हैं ये सोशल मीडिया कंपनियां कि आपने गलत वीडियो डाला या आप हिंसा को उकसा रहे हैं। लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी यानी इनके पास टेक्नोलॉजी है ना ऐसे वीडियो पकड़ने की जो इनकी गाइडलाइन के हिसाब से आपत्तिजनक होते हैं। तो ये जान जोखिम में डालने वाले वीडियो पर एक्शन क्यों नहीं लेती? पुलिस कहां कहां पकड़ती रहेगी लोगों को? इन कंपनियों को पता नहीं चल रहा कि इतने लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं रील बनाने के चक्कर में, और ऐसे लोगों के चक्कर में बाकी लोग भी यही सब कर रहे हैं। लोगों की जान तक जा चुकी है, ये सब पुलिस पकड़े। सड़क पर स्टंट करने वालों को ट्रैफिक पुलिस पकड़े। ये कंपनियां कुछ नहीं करेंगी ऐसे अकाउंट का जहां ऐसे वीडियो डाले जाते हैं। ये आपत्तिजनक वीडियो ये वाले कैसे नहीं है? कंपनियों को बस अपने ग्राहक बनाने से मतलब है, और ये बस ये कहकर अलग हो जाएंगी कि लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, तो हम क्या करें? कुछ गैर कानूनी है तो पुलिस देखे, वो कहां कहां खड़ी रहेगी पुलिस? किस किस को पकड़ती रहेगी पुलिस? पब्लिक में तमाशा बना रखा अपना इन वीडियो बनाने वालों ने, और अपना तमाशा बनाए तो बनाए, लेकिन जान पर खतरा बन गए हैं ये दूसरे लोगों के लिए भी। गाजियाबाद में लड़की छठी मंजिल से गिर गई, कितने लोग पहाड़ियों से गिर चुके हैं, झरनों से गिर चुके हैं, ये सब वीडियो बनाने के चक्कर में। और खुद अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं, दूसरों की भी तो डालते रहते हैं। बिजनौर में जो हुआ वीडियो बनाने के चक्कर में, उसमें कार से जाने वाले लोगों का क्या कसूर था? दो लोग बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पर वीडियो बना रहे थे, उनके दोस्त उनके पीछे चलते हुए रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जैसे सड़क ना हो अपने पर्सनल बाग में टहल रहे हो, और आ गए एक कार के सामने, क्योंकि उनको तो अपने वीडियो की पड़ी थी, उनको अपने सोशल मीडिया पर लाइक चाहिए थे। कार चलाने वाले की क्या गलती थी? और पुलिस कहां से आ जाती वहां पर? पुलिस तो बाद में ही आएगी ना। ये सब रोज हो रहा, पुलिस रोज ऐसे लोगों को पकड़ भी रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सोशल मीडिया पर ये सब वीडियो बनाने का काम धड़ल्ले से चले जा रहा है। तो सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी कैसे नहीं है? लोग एक दूसरे की देखा देखी कर रहे हैं ना ये सब। अकाउंट ही बंद कर देंगी कंपनियां ऐसे वीडियो डालने पर, तो किसके लिए बनाएंगे ये अहमक ऐसे वीडियो?
और ऐसा नहीं है कि कंपनियां वीडियो हटाती नहीं है, वार्निंग देती नहीं है या अकाउंट बंद नहीं करती हैं, सब कुछ करती हैं ये कंपनियां, लेकिन वो सब ऐसे स्टंट करने वाले वीडियो पर नहीं होता। राजनीतिक हिंसा हो या आतंकी हिंसा हो या हिंसा के लिए उकसाने वाली बातें हो, तो इन कंपनियों ने बड़ी बड़ी गाइडलाइन बना रखी हैं और ये एक्शन भी लेती हैं। इनके पास पूरी टेक्नोलॉजी है और ये किसी भी तरह के वीडियो पकड़ सकती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पकड़ सकती हैं, लेकिन ऐसे स्टंट करने वाले वीडियो से इनको कोई परहेज ही नहीं है। चीन जैसे देशों में तो ये कंपनियां भीगी बिल्ली बन जाती हैं, यूरोप के देश भी इनको कई तरह के कंटेंट के लिए कान पकड़वाते रहते हैं। तो अगर ये डंडे के डर से ही एक्शन लेंगी तो इनको निर्देश क्यों ना दिया जाए कि अगर भारत में धंधा करना है तो ये जान जोखिम में डालकर वीडियो बनाने वाले लोगों के अकाउंट बंद करो, नहीं तो बोरिया बिस्तर समेटो यहां से, क्योंकि अब ये बहुत हो चुका। इस सनक में कई घर बर्बाद हो चुके, मां बाप बच्चों को रोक रोक कर थक गए कि ऐसे वीडियो बनाने में अपनी जान का तो ख्याल रखो, लेकिन बच्चे क्या बड़े भी ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर लोकप्रियता लेने के लिए कि अब ये बीमारी बन चुका है, इसका इलाज बहुत जरूरी है। और इस जिम्मेदारी से सोशल मीडिया कंपनियां बच नहीं सकती। तो बात की एक बार